हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सौर मंडल का भाग सात लेके आए हैं। इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह लेके आए हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी जो एसएससी परीक्षा है, आरआरबी परीक्षा, यूपीपीएससी परीक्षा और एमपीपीएससी सभी परीक्षाएं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जितनी भी परीक्षा होती है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, हम भाग सात लेके आए। भाग सात में क्या है? सौर मंडल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा कौन है? प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? इसके चार ऑप्शन दिए, फोबोस, डीमोस, लेडा और फांडेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। ये फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा कहलाता है? डीमोस कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में क्या कहा है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मंगल। मंगल ग्रह क्या होता है? रात्रि को आकाश में लाल दिखता है। मंगल ग्रह क्या है? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। जो मंगल ग्रह है उसका रंग लाल जो है वो किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव तथा इसका कक्षा तली 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह जो है दिन का मान, मंगल ग्रह में दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीन। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है। और यह प्रश्न जो है हमारा एसएससी परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह में चार ऑप्शन दिए हैं, यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बारे में आप लोग जानते हैं, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना? 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमेड जो पीले रंग का है सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न था, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। प्रश्न नंबर चार देखते हैं, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? और इसके चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया गैस, दूसरा तरल पदार्थ, तीसरा अशांत वातावरण और चौथा भूमि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है अशांत बादल, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच में क्या दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? इसके चार ऑप्शन है, ए नंबर मंगल, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर नेपच्यून और डी नंबर शनि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बृहस्पति। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा
था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मेगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर दिया मंगल, बी नंबर शनि, सी नंबर बृहस्पति और डी नंबर शुक्र। बताइए यहाँ से सही आंसर क्या होगा। मेगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो आपका सी नंबर का आंसर सही आ जाएगा, बृहस्पति। मेगलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। शूमेकर, लेवी, नाइन और धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शूमेकर, लेवी, नाइन, धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसके 4 ऑप्शन दिए, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बृहस्पति। शूमेकर, लेवी, नाइन, धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? इस प्रश्न को जो सीजी यानी छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2012 में पूछा गया था। प्रश्न है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? इसके 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर पृथ्वी, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर मंगल और डी नंबर शुक्र। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है बी नंबर, बृहस्पति। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में बृहस्पति में से निम्न में से यानी कि इनमें से कौन सा ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह अधिकतम समय लेता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है टाइटन, दूसरा मिरांडा, तीसरा चंद्रमा और चौथा गैनीमेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 में कहा है निम्नलिखित ग्रहों में से किस के चारों ओर वलय है? निम्नलिखित ग्रहों में से ये जो ग्रह दिए 4 ग्रह, इन ग्रहों में से आपको ये बताना है किसके चारों ओर वलय है। और ये वाला प्रश्न आपका UPPCS परीक्षा 1990 में पूछा गया था। तो बताइए यहाँ से आप क्या है, निम्नलिखित ग्रहों यानी कि ये 4 ग्रह दिए हैं, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो इसका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा, वरुण के चारों ओर क्या है, वलय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? प्रश्न है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ये आपको इस प्रश्न को भी एसएससी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं? ए नंबर शनि, बी नंबर मंगल और डी नंबर बृहस्पति और सी नंबर बृहस्पति और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बृहस्पति। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? प्रश्न पूछा है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से टाइटन निम्न में से मीन्स ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका उपग्रह है? तो आप बता सकते हैं कि यह, इसके 4 ऑप्शन है, ए नंबर बृहस्पति, बी नंबर शनि, सी नंबर यूरेनस और डी नंबर नेपच्यून। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शनि। जो टाइटन है ये किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। यह शनि के बारे में थोड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? शनि। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, वलय की संख्या
साथ है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो जल में रखने पर तैरने लगता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फिर शनि में फोबेल नामक शनि का उपग्रह है। दूसरा एक उपग्रह फोबे नामक शनि का उपग्रह है। इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो हमारा प्रश्न था सौरमंडल, प्रश्न नंबर 12 क्या था, सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, तो हम उत्तर क्या हो गया शनि। फिर अगला प्रश्न है शनि ग्रह है, शनि ग्रह क्या है, तो ये प्रश्न को MPPSC 2010 में पूछा था। किसे शनि ग्रह है, इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर प्लेटो से ठंडा, बी नंबर नेपच्यून से ठंडा, सी नंबर नेपच्यून से गर्म और डी नंबर जुपिटर से गर्म। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। किससे गर्म है, नेपच्यून से गर्म है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 शनि ग्रह को, प्रश्न है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर गैलीलियो, बी नंबर कॉपरनिकस, सी नंबर टॉलमी और डी नंबर केपलर। तो प्रश्न था शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर गैलीलियो। किसने देखा था शनि ग्रह को सर्वप्रथम, गैलीलियो खगोल शास्त्री ने देखा था। फिर अगला प्रश्न है नंगी आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह, जो हमारी नंगी आँखों द्वारा सबसे यानी कि सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नंगी आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर दिया बृहस्पति, बी नंबर शनि, सी नंबर यूरेनस और डी नंबर प्लूटो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शनि, नंगी आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह क्या हो जाएगा आपका, शनि। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 शनि ग्रह के चारों ओर, प्रश्न क्या है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वलयों की संख्या कितनी है। अभी आपको हमने शनि के बारे में बताया था, इसमें वलयों की संख्या भी बताए थे कि वलयों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। अभी हमने आपको बताया थे क्या बताए थे कि इसके शनि के तल के चारों ओर वलय का होना होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर क्या होता है, वलय होता है और वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, कौन, शनि। और शनि ग्रह के बारे में पूछा, यहाँ शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 7। वलयों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 6 गलत उत्तर है और 9 भी गलत है और 12 भी गलत है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 7। वलयों की संख्या कितनी होती है, 7। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 में सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, इसके चार ऑप्शन दिए, ए नंबर अरुण, बी नंबर वरुण, सी नंबर पृथ्वी और डी नंबर शनि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर शनि, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, हमने अभी बताया था शनि के बारे में कि यह आकार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन, शनि है। तो देखिए इसमें सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, ए नंबर दिया अरुण, बी नंबर दिया है आपका वरुण, सी नंबर शनि और डी नंबर पृथ्वी। ये चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि कहलाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शनि। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह
तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं आपको, ए नंबर टाइटन, बी नंबर एटलस, सी नंबर टेलेस्टो और डी नंबर लॉपेटस। तो यहाँ चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। और प्रश्न हमारा है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। तो दोस्तों हमने आपको जो ग्रहों के बारे में बता रहे हैं उनके उपग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये आपकी जो कॉम्पिटिशन परीक्षाएँ जैसे SSC, RRB, UPPSC, MPPSC, IAS ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, UPPCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी कॉम्पिटिशन परीक्षाएँ सभी के लिए ये हमारे द्वारा जो प्रश्न लाए गए हैं इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वाला है? निम्न में से तो ये जो प्रश्न है हमारा, तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिस लग रहा है। इसके चार ऑप्शन दिए यूरेनस, बृहस्पति, शनि और मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। क्या हो जाएगा? सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं इस प्रश्न में हमने गलती कहाँ की है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 20 यानी कि आपके लिए हमने हर वीडियो में जो भाग एक है, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पाँच और एक भाग कौन सा है, छठवां भाग है, तो सभी भागों में हमने 20-20 प्रश्न लेके आए हैं। कितने प्रश्न लेके आए हैं? 20-20 प्रश्न लेके आए हैं। और ये सभी 20-20 प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। जो हमारा 20वां प्रश्न था, निम्न में से किस ग्रह के चारों और स्पष्ट वलय है, तो यहाँ पे हमने वलय लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका वलय, क्या आ जाएगा? वलय। प्रश्न अब देखिए क्या बनेगा, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय वाला है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये वाला हो गया, तो वाला की जगह क्या आ जाएगा? वलय आ जाएगा। तो प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। और इस प्रश्न को आपकी RRB परीक्षा 2003 में पूछा गया है। इस प्रकार आपके यहाँ पे 20 प्रश्न समाप्त हुए, यानी कि हमारी ये 2020 सीरीज है यहाँ पे भाग 7 के में समाप्त होती है। और हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए, यदि ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं या आपकी परीक्षा में काम आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।